अब देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी जामिया और एमए हिंसा मामले की सुनवाई। पुलिस की जातियों के खिलाफ दायर की गई है याचिका। प्रियंका गांधी ने की जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग, कहा संविधान पर हुआ है हमला। प्रियंका गांधी के धरने के बाद इंडिया गेट पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जामिया में लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद कल देर रात रिहा किए गए 26 छात्र, रविवार की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। यूपी के मऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। गाजियाबाद में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में हिंसा की आशंका के चलते फ्लैग मार्च। देवरिया में विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस का फ्लैग मार्च, प्रशासन की टीम ने लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द, चुनाव के वक्त 25 साल से 11 महीने कम थी उम्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। उन्नाव में एसपी दफ्तर के बाहर युवती ने खुद को लगाई आग, 70% जली हालत में कानपुर रेफर। हाथरस में पैसों के लेन देन के विवाद में दुकानदार की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल।